बहुत ही ज्यादा स्लिप है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ऊपर भी आप देख रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं रस्सी के सहारे, और ये देखिए रस्सी का सहारा लेकर आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। यहाँ से हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, और ये देखिए बहुत ही ज्यादा, ये देखिए अमरनाथ यात्रा की कंडीशंस, गणेश टॉप के विजुअल्स हैं। ये पूरा का पूरा घोड़ा पानी में डूबा है, और ये देखिए चारों तरफ बर्फ, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बर्फ है, बहुत ही ज्यादा। जय श्री अमरनाथ जी। अभी हम अमरनाथ यात्रा के प्रथम पड़ाव पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा क्राउड है। और आज इस वीडियो में आप सबको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, और साथ में अमरनाथ यात्रा से जुड़े और भी कई सारे लेटेस्ट विजुअल्स इस वीडियो की मदद से दिखाऊंगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं पहलगाम से यहाँ तक का टैक्सी चार्ज जो है 160 लिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट रेट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा भीड़ पहुंची है जो आपके सामने है। अभी आपको बेस कैंप के अंदर एंट्री लेकर भी बताते हैं कि कितना ज्यादा क्राउड है, यानी कि रिकॉर्ड टूट यात्रा पहली बार यहाँ पर इतनी ज्यादा पहुंची है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ पूछे मत। एंड ये देखिए चारों तरफ के दृश्य काफी ज्यादा खूबसूरत हैं, और ये चेक पोस्ट रही, इस चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद आगे की यात्रा शुरू होगी। इतनी ज्यादा यात्रा है, यानी कि रिकॉर्ड टूट संख्या पहली बार काफी सालों के बाद पहुंची है। और आप सभी को बता दूं कि अभी ये यहाँ पर चंदनवाड़ी बेस कैंप पर जो अभी ये यात्रा पहुंची इस टाइम की, ये लगभग 20% ही पहुंची है, ठीक है। अभी जो यात्रा है वो अभी पीछे से आनी है जो बेस कैंप में रुकी हुई है। ये देखिए अभी हम घोड़ा स्टैंड पर पहुंच आए हैं, यहाँ से आप घोड़ा ले सकते हैं शेषनाग, पिस्सू टॉप, पंचधरनी गुफा तक, ठीक है। और इसके रेट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आगे देखिए अभी हम अमरनाथ जी यात्रा के पहले ग्लेशियर के पास पहुंच आए हैं, और आप सभी को बता दूं अभी इस ट्रैक को BRO बना रहा है, ठीक है। अभी आपको यहां पर बोर्ड्स दिखा देता हूं BRO के जो हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये देख रहे हैं आप सामने की ओर, और ये देखिए पहला ग्लेशियर ये सामने की ओर है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी ये है कि अब इस ट्रैक को BRO बनाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रैक रहेगा और काफ़ी सुगम, जिससे यात्रा की जाएगी। यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी तरह से यात्रा चल रही है, और यात्रा जो है सीधा पवित्र गुफा की ओर ही प्रस्थान कर रही है, ठीक है। अभी हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। पहलगाम से पिस्सू टॉप की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है, ठीक है। तो आइए ले चलते हैं आप सबको पिस्सू टॉप की चढ़ाई में। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं शेषनाग 11 किलोमीटर, इसके बाद 6 किलोमीटर जोजीवल पिस्सू टॉप 2, और हॉली केव 31 किलोमीटर, पंचतरनी 25 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से जाएगी इन पहाड़ों से अब हमारी यात्रा। तो देखिए अभी हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई को क्रॉस कर रहे हैं। इस चढ़ाई को क्रॉस करने में ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आराम से यात्रा करें और जल्दबाजी ना करें, पानी की बोतल साथ में रखें, और साथ में यात्रा के दौरान शॉर्टकट वे ना लें, ठीक है। शॉर्टकट वे आपके साथ साथ और सारे तीर्थयात्रियों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। और ये देख सकते हैं आप यात्रा ट्रैक जो है उस पर किस तरह से श्रद्धालु चल रहे हैं। फिलहाल हम काफ़ी ज़्यादा सुबह जल्दी में आए हैं, ठीक है, इसीलिए अभी आपको थोड़ा क्राउड कम देखने को मिलेगा। क्राउड अभी नीचे से जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। पिस्सू टॉप की चढ़ाई चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से ठीक 1 किलोमीटर आगे आती है, और पिस्सू टॉप चढ़ाई अमरनाथ जी यात्रा में सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक मानी जाती है, जो पहलगाम रूट से आती है। आप सभी को बता दें यात्रा करने के दौरान आप सभी को यहां पर अपने साथ पानी पीने की बोतल और साथ में धीरे से यात्रा करनी है, क्योंकि इस चढ़ाई में खासकर सांस फूलने की बहुत सारी संभावना बनी रहती है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं यात्रा ट्रैक पर किस तरह से पूरी की पूरी यात्रा ट्रैक पर घोड़े और पैदल यात्री भरे हुए। आप सभी को बता दें इस चढ़ाई को कवर करने के बाद सीधा आप सभी को बता दें ये लास्ट लाइन आप देख रहे हैं जो सीधा आगे पिस्सू टॉप की ओर जाएगी, और नीचे की ओर आप देख रहे हैं जो व्यू है ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई का है। आगे की ओर आप जो लाइन देख रहे हैं ये एंड लाइन है जो सीधा पिस्सू टॉप पर्वत को टच करेगी, ठीक है। डरिए मत, बहुत ही इजीली यात्रा है ये और बहुत ही आसान है। अभी हम पिस्सू टॉप से आगे निकल चुके हैं, और पिस्सू टॉप की चढ़ाई में लगभग 45 मिनट से घंटे का समय लगा, बहुत ही आराम से आए थे हम। और ये देखिए आज पूरे पहाड़ों पर यहाँ पर बर्फ़ है, ठीक है, पिछले साल यहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। और एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि जो भी अब हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड रेंज में अब अपनी उड़ान भर रहे हैं, ठीक है। पिछले साल क्या था कि यहाँ से चल रहे थे, ठीक है, बहुत ही नीचे से चल रहे थे, और इस वर्ष बहुत ही ऊपर से जा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए आगे की विजुअल्स, अभी आपको शेषनाग जोजीवल भी दिखाते हैं आगे।
नाउ अभी हम रिज्ड हुए हैं जोजीबल में, जो कि शेषनाग से 4 किलोमीटर पहले आता है, ठीक है। और अभी देखिए ये है जोजीबल एरिया, जहाँ पर लंगर वगैरह लगे हुए हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मौसम बता दूँ तो मौसम बहुत ही अच्छा खासा साफ बना हुआ है। और ये मेरे साथ है कासम भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत ही इन्होंने यहाँ पर नींबू पानी पिलाया, वो भी चार्जेबल शॉप्स पर। बहुत ही अच्छा लगा, अपने पैसों से पिलाया वो भी। अभी हम जोजीबल से पीछे गए शेषनाग की ओर, और ये है नागाकोटी, ठीक है। नागाकोटी की अभी आपको चढ़ाई दिखाते हैं। और ये देखिए किस तरह के यहाँ पर पहाड़ हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे से एक नदी भी बह रही है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद देखिए आगे के विजुअल्स, ये देख रहे हैं आप जो नागाकोटी है। ये पिस्सू टॉप चढ़ाई के बाद पहलगाम यात्रा मार्ग पर दूसरी चढ़ाई आती है शेषनाग से पहले नागिन टॉप पे। ये आप देख रहे हैं नागिन टॉप है यहाँ का नाम, और यहाँ पर दूसरी चढ़ाई शुरू होती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आप वीडियो की मदद से देख रहे हैं और मैं पूरी तरह से कवर भी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल चढ़ाई है, यहाँ पर आप इन कुदरत के झरनों को देखते हुए ही अपनी चढ़ाई पूरी कर लेंगे। जी हाँ, आप सभी को बता दें इस नागिन टॉप की चढ़ाई में आप सबको शेषनाग तक नॉर्मली चढ़ाई देखने को मिलेगी, जिसे कि आप आराम से पूरी भी कर लेंगे। ये चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये चढ़ाई 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में है, जो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। ये आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत प्रकृति रूप से बने हुए झरने हैं, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर यात्रा की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि यात्रा मार्ग को स्वच्छ ही रखें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रकृति के कण कण में वास है। और ये देखिए कितने खूबसूरत व्यू है यात्रा मार्ग का, और सभी यात्री अब शेषनाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी को बता दें यात्रा मार्ग पर छोटे बेस कैंप भी बनाए गए हैं, जैसे कि अगर कोई तीर्थ यात्री शेषनाग नहीं पहुंच पाया है तो उसे जोजीबल में भी रुकने की सुविधा मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि आगे की ओर जो अब यात्रा बढ़ रही है, ये सीधा शेषनाग झील की ओर बढ़ रही है। और अभी हम आपको ले जा रहे हैं शेषनाग झील की ओर, और वहां से आगे की यात्रा भी अभी हम आपको इस वीडियो की मदद से कराएंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब तक हम अपने लेटेस्ट वीडियो पहुंचा सकें सबसे पहले। तो फाइनली अभी मैं शेषनाग झील के पास पहुंच गया हूं। पहलगाम चंदनवाड़ी से, यानी कि चंदनवाड़ी चेक पोस्ट जो है, वहां से यात्रा मैंने बहुत ही आराम से शुरू की थी, सुबह 7:30 से 8 बजे के रेंज में, ठीक है। अभी टाइम क्या है कि टाइम दिखाते हैं अभी आपको, टाइम है अभी 11:60, ठीक है। यानी कि मान लो 9:10-11, मतलब बहुत ही आराम से 3 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचाए। 12 किलोमीटर का रेंज है, तो आप भी मतलब बहुत ही आराम से यात्रा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छे से देखभाल की जा रही है। ये देख रहे हैं आप सामने की ओर शेषनाग लेक है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए सामने की ओर यात्रा जा रही है, अभी हम पीछे जाएंगे, ठीक है। वहाँ से पीछे भी हम पंचतरणी आज एक ही दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ के खूबसूरत विजुअल्स, ये देखिए धूप खिली हुई है शेषनाग के साथ में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बर्फ का पहाड़ गिर कर आया, ठीक है। ये देखिए पूरी की पूरी बर्फ ही बर्फ है। और देखिए आगे झील आपको दिखा दें, झील के दर्शन। और ये देखिए पहले बहुत बड़ा यहाँ पर नाला हुआ करता था, पीछे जाना होता, पर इस वर्ष बर्फ ने उस नाले को पूरी तरह से भर दिया। ये देखिए पूरा का पूरा इलाका जो है बर्फ से ढका हुआ, ये पूरा का पूरा। स्लिप लगने का बहुत ही चांसेस है यहाँ पे। ये देखिए अमरनाथ जी यात्रा पंचतरणी की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं, और यहाँ पर 1:30 बजे से पहले पहुँचना होगा जो भी श्रद्धालु पंचतरणी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आ चुका है अब यहाँ पर शेषनाग बेस कैंप, ठीक है। बेस कैंप शुरू हो गया है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इस वर्ष BSF और ITBP ने पूरा का पूरा यात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस का जिम्मा लिया हुआ है, CRPF को यहाँ से उठा लिया गया। अभी हम शेषनाग बेस कैंप पर पहुँच ही आए हैं, अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, ठीक है। ये देखिए इस साइड आपको कैमरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही बड़े बड़े हिमखंड आए हुए हैं यहाँ पर,
और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हिमखंड यानी कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर बर्फ़ भी तोड़कर काम लगाया गया है, बर्फ़ तोड़ने का रास्ता निकाल रहे हैं वहाँ से। देखिए अब शेषनाग से ऊपर पूरी की पूरी यात्रा बर्फ के ऊपर ही करनी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लिप बना हुआ, कच्ची बर्फ़ भी है और संभल कर चलिएगा। ये देखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूछो मत। ठीक है, ये है शेषनाग बेस कैंप का व्यू। ठीक है, ये देखिए अभी हम शेषनाग में पहुंच चुके हैं और शेषनाग से पंचतरणी की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए लास्ट टाइम है 2 बजे। अगर मौसम खराब हो तो उससे पहले भी यात्रा रोकी जा सकती है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर चेक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से 2 बजे के बाद किसी को भी आगे की ओर नहीं भेजा जाता है। अभी हम इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए भंडारों में पौष्टिक आहार लगे हुए, कुछ खानों पर प्रतिबंध श्राइन बोर्ड ने लगाया है और वो खाने बिल्कुल प्रतिबंध है। जय बोले कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्रद्धालुओं को यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए पूरी तरह शेषनाग से आगे हम गणेश टॉप की ओर बढ़े। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये शेषनाग से आगे का ही है, इस रास्ते पर कहीं पर बर्फ नहीं मिलेगी। और सामने की ओर आप जो वाटरफॉल देख रहे हैं यहाँ से आगे आपको पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ दिखने को मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर बर्फ है। देखिए एक स्टेप को खत्म कर रहे हैं, दूसरा स्टेप आ रहा है, दूसरे को खत्म कर रहे हैं, तीसरा आ रहा है, यानी कि चढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, चढ़ाई थोड़ा कम ही है और ऐसा रेंज ज्यादा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पूरी की पूरी बर्फ और कठिन चढ़ाई शुरू हो गई है गणेश टॉप की। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अभी आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, और स्लिप भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, नीचे से कीचड़ भी है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ से देखिए अभी हमने ऊपर जाना है, बर्फ़ देखिए कितनी ज़्यादा है। ये देखिए पीछे भाई साहब गिर गए, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़, ये देखिए सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पर, बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखिए ये देखिए बहुत ही जबरदस्त बर्फ, और ये वाली साइड देखिए पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और यहाँ पर ना बहुत ज्यादा स्लिप भी बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप कीचड़, बहुत ही बुरी कंडीशन है। ये देखिए कितनी ज्यादा बर्फ काटी हुई यहाँ पर, अभी आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ये देखिए हालात बहुत ही, ये देखिए बहुत गहरी खाई है यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ काटी हुई है। ये देखिए बर्फ़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब कि हे भगवान, इस वर्ष कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ कटिंग भी चल रही है और यहाँ से नीचे देखिए पूरी यात्रा बर्फ़ कटिंग में चल रही है। ये देखिए यहाँ पर घोड़े किस तरह से चल रहे हैं, बेचारों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है, बर्फ़ टूटती है और मेल्ट होने के साथ साथ इनका पैर भी फिसलता है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पे। ये देखिए गणेश टॉप की बर्फ़ है, ये गणेश टॉप से नीचे की बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम गणेश टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं और ये देख रहे हैं आप पूरी तरफ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, ये देख रहे हैं, और देखिए जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बर्फ़ दिखेगी। ठीक है, रास्ते में इतनी ज़्यादा कीचड़ है कि पूछो मत, और देखिए साइड से चल रहे हैं और साइड से भी बर्फ़ मेल्ट हो रही है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जय, बाबा अमरनाथ की जय। ये देखिए गणेश टॉप के व्यू, पूरी की पूरी बर्फ काट के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है, ये आप सामने देख रहे हैं लंगर लगे हुए,
मतलब पूरी की पूरी बर्फ है, ठीक है। ठंड की बात करें तो ठंड पूछो मत, बादल आते हैं तो ऐसी ठंड छा जाती है कि जैसे मानो मतलब कोई आप बहुत ही ज़बरदस्त ठंड, जैसे मतलब विंटर सीज़न आ गया है, इसलिए गर्म कपड़ों के साथ आना, ठीक है। और धूप खिलने के बाद धूप का आनंद भी मिलता है। और ये देखिए यहाँ के लेटेस्ट विजुअल्स, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेवेदार भी यहाँ पर। ओई ये देखिए मैं चला गया खड्डे में, ये देखिए कितना ज़्यादा खड्डा, ओहो मैं चला गया था खड्डे में, ये देखिए ये संभल के रहना यहाँ से, ठीक है, ऐसे खड्डू से। यहाँ पर देखिए सेवादारों के लंगर लगे हुए हैं। ये देखिए अमरनाथ यात्रा की कंडीशंस, गणेश टॉप के विजुअल्स हैं। ये पूरा का पूरा घोड़ा पानी में डूबा है, और ये देखिए चारों तरफ बर्फ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ है, बहुत ही ज़्यादा। शेषनाग से आगे गणेश टॉप और पोषपत्री के बीच हमें चढ़ाई से कम और कीचड़ से ज़्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि रास्ते पर लगातार जो बर्फ थी वो मेल्ट हो रही थी, यानी कि पिघल रही थी, और इसी के बीच बहुत ही ज़्यादा कीचड़ में परेशानी बन रही थी। परेशानी इस बात की बन रही थी, एक तो फिसलन भरा रास्ता बन रहा था, और दूसरी बात उस पर चलना नहीं आ रहा था, क्योंकि कीचड़ में कहीं कहीं गहरे खड्डे भी थे जो कपड़ों को खराब कर रहे थे। ये आप जो व्यू देख रहे हैं ये बबल टॉप से लेकर गणेश टॉप के बीच का है जो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि आसपास के इलाकों में कितनी ज़्यादा बर्फ है। प्रशासन ने बीच से पूरी अच्छी तरह से रास्ता बनाया है, पर इसमें कीचड़ है जिसमें जो घोड़े चल रहे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो वीडियो है ये प्रॉपर गणेश टॉप का है, यहाँ तक जेसीबी की मदद से पूरी तरह से बर्फ हटाई गई थी। ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जेसीबी द्वारा बर्फ हटाई गई है। यहाँ पर बर्फ लगभग 20 से 25 फीट से भी अधिक जमा हुई है। जी हाँ, ये आज भी बता दूं आप सभी को, ये देख रहे हैं आप बर्फ जो है यहाँ पर, ये 20 से 25 फीट की बर्फ यहाँ पर आज भी मौजूद थी। ये देखकर हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहे हैं। प्रशासन की जबरदस्त तैयारियां थी, वो चाहे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। अभी देखिए मैं गणेश टॉप को क्रॉस कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो माहौल है ना बिल्कुल ज़्यादा बर्फ है, ठीक है। ये जो भी आप बर्फ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जो हटाई हुई है, ये मशीनरीज द्वारा हटाई गई है। और इसके बाद आगे दिखाऊँ, ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, मतलब बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। और ये देखिए कीचड़ भी बहुत ज़्यादा, ये देखिए कपड़ों का क्या हाल हो गया, बहुत ज़्यादा है। अभी खच्चर वाले ने मेरी पूरी खच्चर डाल दी। यहाँ पर मैं बता दूँ एक दो दिन पहले शायद और फ्रेश स्नोफॉल पड़ी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लग रहा है। और ये देखिए ये कहीं मशीनरीज आई है यहाँ पर, उन्होंने बर्फ हटाई है आगे तक, बहुत ही मतलब ठीक किया है। इस वाली साइड बर्फ देखिए, मतलब कितनी ज़्यादा, 15 से 20 फीट से भी ज़्यादा बर्फ है इस साइड। और ये दिखाता हूँ आपको पीछे का भी, कुछ यात्रा शेषनाग में है अभी और कुछ आगे चल रही है, और जितने भी चल रही है ना घोड़े पे चल रही है, कुछ ही लोग पैदल चलने वाले हैं यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही है। ये देखिए मेरे प्रभु, ये देखिए घोड़ों के क्या हाल है इसी बर्फ़ में, पैर ठंडे। और ये देखिए बहुत ही भारी गहरा खड्डा है यहाँ पर, और इस खड्डे में पूरा का पूरा बर्फ़ का पानी है। अरे भगवान, ये देखो, ये देखिए मेरे साथ में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, और स्लिप भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त। ठंड बताओ ना एक्सट्रीम लेवल की, गर्म कपड़े लेकर आना। और ये देखिए मतलब बर्फ़ पे स्लिप भी बहुत ज़्यादा है, और इस जेसीबी द्वारा यहाँ पर बर्फ़ हटा गई है, ठीक है। साइड दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए, ये देखिए इस साइड, ये बहुत स्लिप है यहाँ पर, बहुत स्लिप, बहुत स्लिप। इस साइड पूरी जेसीबी द्वारा बर्फ़ हटाई गई है, और यहाँ पर देखिए बर्फ़, ये देखिए, हे भगवान, बहुत ज़्यादा बर्फ़। पहला वाला जो रास्ता निकाला गया था, यहाँ से निकाला गया था जो रास्ता, की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था चलने के लिए। और देखिए ये जो मशीनरीज यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने यहाँ से रास्ता निकाला, अब ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और यहाँ से चलने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कम्फर्टेबल है, अच्छा खासा है। और नीचे जेसीबी भी दिखाते हैं आपको अभी चल। और यहाँ से देखिए हम बिल्कुल गलत आ चुके हैं, बर्फ़ भी लाइटली शुरू हो गई है, और ये देखिए बिल्कुल नीचे गहरी खाई है, और यहाँ पर देख ले आप बर्फ बिल्कुल, इस पर स्लिप ही स्लिप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लिप है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से नीचे, अरे भगवान, उतरना कैसे है, देख रहे, अरे
ये देखिए बर्फ, यहाँ का रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा। ये रस्सी आप देख रहे हैं, इस रस्सी का सहारा, ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेस्क्यू टीम द्वारा यहाँ पर एक रस्सी के सहारे से नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है और श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए इस रस्सी का सहारा अब लेना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्लिप भी है यहाँ पर, हो और आप देख रहे हैं अब मैं कहाँ नीचे के लिए जा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा स्लिप है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। अभी आपको यहाँ से नीचे ले जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा स्लिप है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर भी आप देख रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं रस्सी के सहारे, और ये देख रहे रस्सी का सहारा लेकर आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, यहाँ से हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बर्फ, ये देखिए नीचे के दिखाता हूँ, ओ रे भगवान, ये देखिए अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा देख रहे हैं अभी आप, यानी कि दुनिया की सबसे मुश्किल यात्राओं में ऐसे एक यात्रा है ये। और क्या ही बताएं, ये देखिए ऊपर आप देख रहे हैं पूरे लोग इसी तरह से आ रहे हैं रस्सी के सहारे से, सैल्यूट बनता है रेस्क्यू टीम को। अरे ये देखिए नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है, अगर वो ऊपर से आ गया बचने की उम्मीद नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हुआ था, और मौसम ख़राब होने के बाद फिर से धूप खिल चुकी है, और अभी हम पहुँचाएँ पोषपत्री भंडारे के पास, ठीक है। पोषपत्री भंडारा यात्रा में सबसे यानी कि बड़ा भंडारा लगता है, और जय हिंद सर, जय बोले। यह है पोषपत्री भंडारा, अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ा भंडारा लगता है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अभी आपको दिखाते ले चलते हैं, साथ में यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा भंडारा यही लगता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भंडारा है ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको साइड से भी दिखाएंगे, यहाँ से आगे लग रहे हैं। ये देखिए पोषपत्री भंडारे के साथ में मसाज बिल्कुल फ्री है, ये आप देख रहे हैं जितने भी लोग हैं फ्री की मसाज की जा रही है, ठीक है, फ्री में निशुल्क, बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। हाँ, और 20 किलोमीटर चलने के बाद देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेवादारों द्वारा ये श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवाएं रखी गई हैं। अभी हम पोषपत्री के पीछे गए हैं, और पोषपत्री के पीछे बर्फ़ नहीं है, ठीक है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है, ये आप देख रहे हैं बर्फ़ जो भी है वो आउटसाइड रेंज में है, ये आप देख रहे हैं पोषपत्री के पीछे बर्फ़ नहीं है उतनी, बिल्कुल रास्ता साफ़ है, सूखा रास्ता है, कीचड़ भी नहीं है। और आगे जो है ना गणेश टॉप से नीचे यानी कि पोषपत्री तक, भगवान बचाए उस रास्ते से। तो फाइनली अब शाम हो रही है, तो बहुत ही आराम से आए थे हम शेषनाग से, तो अब पंचतरणी बेस कैंप हम पहुँच ही आए हैं, ठीक है। पंचतरणी बेस कैंप अब बहुत ही नज़दीक है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं सामने की ओर आगे जाकर। देखिए फाइनली हम पंचतरणी पहुँच आ चुके हैं, ये देख रहे हैं आप भगवान शिव के जो पंच जटाओं से यहाँ पर गंगा जल की निर्मल धाराएँ बहती हैं वो आपके सामने हैं। और ये भी पंचतरणी बेस कैंप आगे की ओर आप देख रहे हैं, और अभी मैं और किशन भाई हैं मेरे साथ, ये पंजाब से हैं। और ये देखिए सुबह हम चले थे चंदनवाड़ी से, ठीक है, अभी बहुत आराम से यहाँ तक पहुँचाए। ये आप सामने की ओर देख रहे हैं जो चौंपर अभी बालटाल से पहुँचा है सुबह, ये अभी अपनी सक्सेसफुली लैंडिंग जो है वो पंचतरणी बेस कैंप पर कर चुका है। और इसके बाद आप सभी को बता दूँ ये वाला जो रूट आगे की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी पहलगाम की ओर से जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहीं तक आते हैं, ठीक है, उनका हेलीपैड उस टाइप उस तरफ है। और ये वाला हेलीपैड जो है ये है, आप देख रहे हैं जो सामने की ओर चौंपर आ रहा है, ये है अपना बालटाल वाला, ठीक है। और दोनों तरफा हेलीपैड पूरी तरह से बहाल हैं, पहलगाम से आने वालों के लिए चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और जो खासकर तीर्थ यात्री हैं वो बालटाल से आते हैं हेलीकॉप्टर से, और बालटाल से हेलीकॉप्टर पहुँचाने में भी बहुत ही कम समय लगाता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर आर्मी का चौंपर आया हुआ है, बहुत ही बड़ा चौंपर है ये आर्मी का,
हेलीपैड, ये वाला देख रहे हैं आप, ये पंचतरणी हेलीपैड है और यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है और यहाँ पर सारा का सारा सामान जो है वो आर्मी का हेलीकॉप्टर से दोबारा लाया जाता है। वो चिनूक हेलीकॉप्टर हो या फिर और कोई हेलीकॉप्टर हो, ये आप देख रहे हैं कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, इमरजेंसी में भी, ये आपातकालीन स्थिति में भी आप सभी की सेवा में लगाए गए हैं आर्मी द्वारा। अभी सुबह हो चुकी है और हम पंचतरणी से गुफा की ओर जा रहे हैं। ये सामने की ओर आप दिख जाएगा आपको बेस कैंप हॉस्पिटल है। अगर किसी भी यात्री को हेल्थ खराब होती है तो यहाँ पर बेस कैंप हॉस्पिटल में रुक सकते हैं और उसका हेल्थ चेकअप होगा। अगर ज़्यादा ही हेल्थ खराब है तो उन्हें यहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ पर आ गए हैं हेलीपैड, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया, और यहाँ से जो पीछे का रूट है वो ये है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से पीछे ले जाते हैं। ये देखिए कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, ठीक है, और धूप खिली हुई है पहाड़ों के ऊपर, पर ठंड जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा है। हाथ ठंडे हो रहे हैं जब तक शायद ये धूप ना लगे यहाँ। और ये है पंचतरणी का घोड़ा स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पर पॉल की पिट्ठू सारा मिल जाता है। ये देख रहे हैं आप, हर बेस कैंप के साथ में ये स्टैंड बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको काउंटर मिलेंगे, काउंटर से आपको पहले टिकट बुक करवानी होती है, उसके बाद ही आप यहाँ से घोड़ा पालकी पिट्ठू जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्राइन बोर्ड के सारे रेट्स और चार्जेस लाए हुए हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पर घोड़ा पिट्ठू पॉल की जो है उनकी। और वो आगे देख रहे हैं आप जो यात्रा जा रही है आगे की ओर, और यहाँ से मिलेगी आपको पालकी। पालकी के क्या चार्जेस हैं पीछे गुफा तक, फिर भी नहीं अभी फिक्स। ठीक ठीक, 4000 कुछ कह रहे हैं यहाँ का रेट लिस्ट है। अभी हम पंचतरणी बेस कैंप से 2 किलोमीटर आगे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से आगे थोड़ा प्लान आएगा और यहाँ से फिर खड़ी चढ़ाई आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये आ रहा बालटाल से, जो आप ये देख रहे हैं। एंड नाउ ये आगे का ट्रैक है, ठीक है, बिल्कुल प्लान रास्ता है और वहाँ आगे से हो जाएगी चढ़ाई शुरू। वहाँ आगे से अमरनाथ यात्रा यानी आप पवित्र गुफा के लिए सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए आप देख रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा बड़े बड़े जो भी मशीनरीज हैं वो बेस कैंप द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। देखिए अब यात्रा मार्ग पर यहाँ पर चौड़ीकरण का काम लगा हुआ है और इसके साथ बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पर आई हुई हैं। ये देखिए यात्रा मार्ग पर ये दिख रहे हैं आप। अगले दिनों अगर आप में से कोई पंचतरणी से हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाला है पवित्र गुफा तक, या फिर यात्रा रूट पर करने वाला है, ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यात्रा रूट बहुत ही अच्छा है। पंचतरणी से गुफा तक का रास्ता जो है बहुत ही अच्छा है, बड़ा भी है, साथ में कीचड़ भी नहीं है इस रास्ते पर। ठीक है, कीचड़ भी नहीं है साथ में। ये देखिए रास्ता आप देख ही रहे हैं, बहुत ही बड़ा है, आराम से यात्री चल रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जितना पंचतरणी से लेकर आपको बता दूं गणेश टॉप के बीच का रास्ता ख़राब है, शेषनाग के बीच का, यानी कि ख़राब नहीं, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पंचतरणी का रास्ता, ना ही आपको यहाँ पर बर्फ़ का सामना करना पड़ेगा और ना ही और किसी मतलब कीचड़ का। ठीक है, वेदर साफ़ होना चाहिए, इतनी सी भगवान से रिक्वेस्ट करना, साथ में यात्रा आपकी यहाँ से बहुत ही अच्छे से होने वाली है। ये देख रहे हैं आप लेटेस्ट विजुअल्स, बहुत ही खूबसूरत, और यात्रा देखिए किस तरह से चल रही है। ये रास्ता पंचतरणी बेस कैंप से ठीक 3 किलोमीटर पीछे का है, ये आप देख रहे हैं जो पवित्र गुफा की ओर जा रहा है। हम आपको पूरी तरह से इसे कवर करके दिखाएंगे। और अगर आप आ रहे हैं यात्रा पर तो 4:30 बजे यानी कि सुबह के 4:30 बजे से पवित्र गुफा की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। ये आप देख रहे हैं सोलर लाइट्स डिप्लॉय की गई हैं यात्रा मार्ग पर, पंचतरणी से पवित्र गुफा तक पूरी तरह लाइटिंग की गई है यात्रा मार्ग पर। और सामने की ओर आप देख रहे हैं यानी कि पर्वत जो हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे और इन्हीं के बीच से ये यात्रा होकर जाती है। आप देख रहे हैं खासकर श्रद्धालु घोड़े और पालकियों से ही होकर जा रहे हैं पंचतरणी से। आप सभी को बता दूं पवित्र गुफा तक आप पिट्ठू पालकी घोड़ा हर सुविधा से जा सकते हैं। इसके लिए रेट लिस्ट आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो घोड़ा
जो चलता है वो अगली साइड चलता है, इसीलिए अपनी साइड पहाड़ वाली साइड रखें। मैं अगली साइड इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो कवर करना था और आप मुझे देखकर अगली साइड मत चलिएगा, पहाड़ की तरफ चलिएगा ताकि आप पूरी तरह से सेफ रहें। और आप देख रहे हैं ये पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर जाने वाला ही यात्रा मार्ग है जो काफ़ी दुर्गम रास्ता होकर जाता है और नीचे की ओर आप देख रहे हैं काफ़ी गहरी खाई भी है। जी हाँ, कहीं सारे श्रद्धालुओं के क्वेश्चंस होते हैं कि अमरनाथ यात्रा में कितना खर्च होता है। आप सभी को बता दें, अमरनाथ यात्रा में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। आप सभी के लिए इस यात्रा में निःशुल्क सुविधाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। आप सभी को इस यात्रा में, अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो आपको 4,000 से 5,000 रुपए की ही ज़रूरत रहेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। आप सभी को बता दें, आराम से इस यात्रा को आप अपनी चीपेस्ट में कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सामने की ओर देख रहे हैं बालटाल रूट, जो काली माता के मंदिर के पीछे का है, ये बालटाल रूट है। जी हाँ, और इस साइड वाला जो रूट है, दो रूट आपको दिखते होंगे, एक ये पहलगाम वाला, एक निचले वाला जो संगम टॉप है। ये वाला रूट जो है ये पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं पवित्र गुफा के ठीक आगे के वीडियो, जहां पर आप देख रहे हैं पूरी की पूरी बर्फ की लेयर यहां पर जमा हुई है, और जहां पर आप सभी को बता दूं सामने की ओर आपको अब बालटाल का रूट भी काफी ज्यादा पास दिखता होगा। इसके साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे कि पहलगाम रूट अच्छा खासा लंबा यात्रा रूट है, और जो बालटाल रूट है वो एक शॉर्टकट रूट है जिसकी लेंथ लगभग 14 किलोमीटर की है, और पहलगाम की रूट की जो लेंथ है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा, आप सभी को बता दूं कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि कीचड़ बहुत ही ज़्यादा है यात्रा मार्ग पर, जिससे कहीं ना कहीं यात्रा मार्ग फिसलन भरा बना हुआ है। पर प्रशासन ने हर जगह पर NDRF, SDRF, MRT की टीमें तैनात की हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं यात्रा मार्ग पर। फाइनली हम गुफा के पास पहुंच आए हैं। तो गुफा के आसपास का जो रास्ता है ना, बर्फ़ है, मेल्ट होने से रास्ते पे कीचड़ बन रही है, और लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वाला है। ठीक है, और बता दूँ कि, और बाकी आप ये देख ही रहे हैं बर्फ़ किस तरह की है। बाकी घोड़े और पालकी से जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें तो दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि ये घोड़े और जो अपने पालकी वाले हैं ये तो कीचड़ में और ही चलेंगे, तो लोगों को इसका कोई इशू नहीं है। और बाकी डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही मज़े से यात्रा होने वाली है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। अब बहुत ही आरामदायक यात्रा होने वाली है। आप गुफा मार्केट से लाए विजुअल साहब, जहाँ पर पूरी तरह से जो रुकने की सुविधा थी वो ख़त्म कर दी है। ठीक है, यहाँ पर रुकने का कोई भी सिस्टम है ना ही यहाँ पर प्रसाद मिलेगा, इसीलिए रास्ते से प्रसाद लेगा। यहाँ से बर्फ़ ही बर्फ़ मतलब पूछो मत कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखो, वो देखिए नीचे बर्फ़ ही बर्फ़, गिरने के सख्त चांस। ये देखिए गुफा के पास के हालात, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। ये देखिए कीचड़ ही कीचड़, कपड़ों का सत्यानाश। ये देखिए कीचड़ ही कीचड़ है, अरे भगवान। ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे हैं गुफा के आगे के विजुअल्स। अभी उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है गुफा पर, क्योंकि अभी सुबह है। अभी यात्रा के जत्थे यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पर देखिए रुकने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़त्म है। ठीक है, पूरी तरह से रुकने की व्यवस्था ख़त्म है। जो भी है यहाँ पर वो आर्मी के ही कैंप लगे हुए हैं, और कुछ गिने चुने भंडारे ही लगे हुए हैं। पहले आप आते थे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी आपको मार्केट देखने को मिलती थी, और अब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि प्रसाद भी आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ये देखिए गुफा के आगे कैसा रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ से पहला रास्ता टूट गया, गिर गया, अब यहाँ ऊपर से बना हुआ है, बर्फ़ के ऊपर से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और देख ही रहे हैं आप, ये सामने की ओर फॉली केव है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गुफा है।
देखिए पूरी की पूरी बर्फ़ है यहाँ से, एंड यहाँ से यात्री चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। अरे भगवान, जितनी गुफा ये इस इलाके से दूर है ना, इतनी इधर आगे से जितनी दूर लगती है ना, उतनी और कहीं नहीं लगती है। ये देख रहे हैं आप, गुफा अब यहाँ पर आ चुकी है, और ये देख रहे हैं आप यात्रा बहुत ही ज़्यादा दूर लगती है यहाँ आगे से। तो महादेव के अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे, इससे पहले कुछ डिटेल्स बता देते हैं। यहाँ पर कुछ लंगर लगाए गए हैं, और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन है आप सभी के लिए वही है कि दर्शन करके जल्द से जल्द बालटाल या फिर पहलगाम से जा रहे हैं तो पंचतरणी के लिए आपको जाना है, ठीक है। अभी हम रिफ्रेश होकर गुफा पर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं ना, क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद इस एरिया को पूरी तरह से खाली कर दिया है, हमने ठंडे पानी से ही नहा। आपको बता दूं कि मौसम बहुत ही साफ था, इसीलिए हमने ठंडे पानी से नहा लिया और बहुत ही आनंद आया, ठीक है, ठंड भी नहीं लगी। और ये देखिए इस साइड BSF के पूरे कर्मी हैं और सुरक्षाकर्मी हैं, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि पूरी यात्रा यही चलाते हैं, ITBP है। और उसके बाद देखिए पवित्र गुफा पहले आपको नहीं दिखती थी, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद पूरा का ये एरिया अब खाली कर दिया है। और ये देखिए अब गुफा का व्यू जो है बहुत ही मस्त दिखता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखेंगे आपको, और यहाँ से देखिए गुफा बहुत ही पास में दिखती है और बहुत ही सामने दिखती है, ठीक है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए गुफा। एंड अभी हम यहाँ पर लॉकर रूम में वहाँ पर सामान रखेंगे, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। पर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दृश्य दिख रहा है यहाँ का, बहुत ही मस्त पवित्र गुफा। जय भोले जी की, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये देखिए हमारे दर्शन हो चुके हैं पवित्र गुफा पर, और आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे पवित्र गुफा है, और मौसम इतना प्यारा बना हुआ है ना, इतना साफ बना हुआ है कि आप पूछो मत, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को बता दूं, दर्शन करने में बहुत ही आराम से मैनेजमेंट किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही आराम से आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं। साथ में आप सभी को बता दूं कि दर्शन आप 10 मिनट तक भी होली क्यू में रुक सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से। यहाँ पर जो भी प्रशासन है, आर्मी है, पुलिस है, ITBP है, BSF बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है। इसके साथ ही ये देख रहे हैं आप, यहाँ आप देख रहे हैं ये यात्रा चल रही है, ठीक है, यहाँ से यात्रा चल रही है। यहाँ से अगर आपको बता दूं तो ये लाइनें हैं, और लाइन नहीं लग रही है, ठीक है, लाइन लगने का यहाँ पर है ही नहीं। और इसके बाद यहाँ से आपको गुफा दिखाते हैं, पवित्र गुफा, जूम करके ये देखिए गुफा जो ऊपर है, ठीक है। यहाँ से ऊपर परमिशन नहीं है जाने की, इसीलिए हम यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। और ये देख रहे हैं आप गुफा से लेटेस्ट विजुअल्स, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सभी आइए, हम पहलगाम से आया है और दूसरे दिन हम यहाँ पर पहुँचाएँ 10 बजे तक दर्शन करने में पैदल। और ये देखिए कुछ यात्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशी है इनमें, और खुशी का माहौल। किस तरह के हुए आपके दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बढ़िया हुए ना। मैनेजमेंट कैसी है? हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छी, और लास्ट आपका वीडियो देखा था मैं। अच्छा, इसलिए मैं आपका पहचाना मैंने, धन्यवाद। चलो कोई नहीं, कैसे लगी वीडियो? बहुत डायरेक्शन भी लिया मैंने। अच्छा, हाँ, सूरत से आया मैं, सूरत, सूरत गुजरात से, सूरत गुजरात, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ से ऊपर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज के रीजन रहते हैं। और फिलहाल आप सभी को बता दूं दर्शन बहुत ही आराम से हुए हैं। अगर आप अगले दिनों यात्रा पर आ रहे हैं तो वेदर जरूर चेक कर लें, और वेदर की मैं आपको कुछ जो ऑफिशियल साइट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल के। तो साथ में देखिए गुफा से लेटेस्ट दर्शन 2 जुलाई के, और ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव ज़रूर बोलेगा, ताकि भगवान शिव आपको भी जल्द से अपने दरबार बुलावा भेजें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री अमरनाथ जी।